वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जे एन यूनिवर्सिटी। आज मैं बताता हूँ कैसे आप जो है वो कोटा फैसिलिटी अपने सिस्टम पर ला सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कोटा है क्या। कोटा बेसिकली एक ऐसा फैसिलिटी है, विंडोज का ऐसा फीचर है जिसमें अगर आप जो है उसको एनेबल कर देते हैं और सर्टन लिमिट लगा देते हैं तो उससे ज़्यादा अदर यूज़र यूज़ नहीं कर पाएंगे। सपोज अगर आपके पीसी आपके अलावा कोई और चलाता है और वो उसमें यूजलेस डेटा ला के बार बार फिल कर देता है, और अगर आप चाहते हैं कि अदर पर्सन जो है उसमें फालतू डेटा ना डाल पाए तो उस पर कोटा लगा सकते हैं। कोटा में सर्टन लिमिट रख दी जाएगी, उससे ज़्यादा डेटा अदर यूज़र यूज़ ही नहीं कर पाएगा। चलिए हम इस पूरी वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप कोटा फिल्टर लगा सकते हैं, तो बिना इस वीडियो को स्किप किए पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, इसका नाम जैन यूनिवर्सिटी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कोटा कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इस पीसी आइकन पर क्लिक करेंगे। सपोज मैं ई ड्राइव पे कोटा लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस ड्राइव क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा और देखिए कोटा ऑप्शन जाऊँगा, सो कोटा सेटिंग पे जाऊँगा। यहाँ देखिए डिनाइड डिस्प्लेस पे टिक लगा दूँगा, उस पर भी टिक लगा दूँगा। फिर यहाँ से आप एक लिमिट सेट कर दीजिए कि इससे ज़्यादा लिमिट का डेटा यूज़ नहीं कर सकता अदर यूज़र। तो यहाँ पर जो भी करनी हो लिमिट लगानी हो वो लगा सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर जो है 500 MB लगा देता हूँ, और लिमिट में देखिए जैसे लिमिट उतनी भर जाएगी वार्निंग देना स्टार्ट कर दूँगा। तो लिमिट में भी हम 220 MB रख सकते हैं, और इसको ऐसा करने के बाद ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए, लिमिट सेट हो गई है। अब इसको आप रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए लिमिट लग गई होगी। ये देखिए रिफ्रेश किया मैंने, ये देखिए 2 GB दिखा रहा, और अब 2 GB ज़्यादा अपडेट इसमें नहीं डाल सकते हैं। तो अब इसी को जो है हमको रिमूव करना है, तो फिर से इसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, कोटा सेट करेंगे, फोटो सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से एनेबल का ऑप्शन हटा देंगे और ओके कर देंगे, आपकी कोटा सेटिंग हट जाएगी। और फिर से इसको रिफ्रेश कर दीजिए, ये देखिए हट गई। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।